लंबे समय से राम मंदिर का विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को देखते हुए आज लुधियाना में संत समाज की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में संत समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि मोदी सरकार सत्ता में आने से पहले अपने वादे पूरे करे और राम मंदिर का निर्माण पूरा करवाए। यदि स्वतंत्र भारत में भी इस देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होगा तो कब होगा? हमारा स्पष्ट मत है, जिस प्रकार से सोमनाथ के मंदिर के लिए संसद ने कानून बनाया था और कानून बना के सोमनाथ के मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक उसी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि के लिए भी देश की संसद से केंद्रीय कानून बनवाया जाना चाहिए और ये स्थान हिंदुओं को दिया जाना चाहिए ताकि हिंदू अपने आराध्य भगवान राम के भव्य जन्मभूमि मंदिर का निर्माण वहाँ कर सकें। हमारा स्पष्ट मत है, ये विषय न्यायालय का नहीं है, ये विषय संसद का है और संसद को कानून बनाकर हिंदू भावनाओं का सम्मान करना होगा। वादे अब तक पूरे नहीं हुए, अभी हिंदू समाज इंतजार कर रहा है, उन्हें समय दिया है, सरकार को समय दिया गया है कि सरकार मोदी सरकार को समय दिया गया है कि वो अभी भी समय है, समय रहते हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का कानून पास करवाए। यदि नहीं करवाती है तो 21 अक्टूबर को 5,00,000 हिंदुओं के साथ संत समाज के नेतृत्व में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया लखनऊ से अयोध्या कूच करेंगे और समाज अपनी दिशा और दशा स्वयं तय करेगा। जो सरकार जन भावनाओं का सम्मान नहीं करती वो सरकारें पलट जाया करती है, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना। ये देश में विदेशी आक्रमणकारियों ने जो एक विजय स्तंभ के रूप में बाबरी ढांचे का निर्माण किया, तो उस विजय स्तंभ को हटाने के लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष चले आ रहे हैं और करोड़ों ही राम भक्तों ने इसमें, देशभक्तों ने इसमें अपने बलिदान किए हैं और संत समाज सदैव से ही, शुरू से ही संत समाज के नेतृत्व में ये आंदोलन चलते रहे हैं। पिछले कुछ समय में ये ढांचा गिरा दिया गया था राम भक्तों के द्वारा और अब इस पे जो मोदी सरकार आई है, ये राम जन्मभूमि के विषय को लेकर राम भक्तों की सरकार बनाओ, ऐसे हमने नारे देश की सड़कों पर लगाए थे और इसके ये अब सरकार सत्ता में आते ही वह उन सभी दावों को, उन्हीं वादों को भूल चुकी है और इसके लिए अब संत समाज ने निर्णय किया है कि संत समाज 21 अक्टूबर से डॉक्टर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के नेतृत्व में सभी लोग एकत्रित होंगे और करोड़ों लोग, लाखों लोग अयोध्या कूच करेंगे।